हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्लैक हॉरर हिंदी चैनल। इमेजिन कीजिए, आप जंगल में कहीं वॉक कर रहे हैं और सडनली बीच जंगल में आपको सिर्फ सीढ़ियां नजर आ जाएं, वो भी आसपास कोई और बिल्डिंग ना हो। उस सीढ़ी का ना कोई फाउंडेशन है, ना कोई दीवार है, ना पास में कोई और ह्यूमन एक्टिविटी हो रही है। आपको बहुत अजीब और क्रीपी लगेगा। बहुत सारे रेडिट यूजर्स ने बताया है कि जंगल में कभी भी कहीं भी ये स्टेयर्स अचानक से अपीयर हो जाते हैं। इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये कहां से और कैसे आ जाते हैं। ऐसा कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है कि इन सीढ़ियों के बारे में सबसे पहले किसने बताया। 25 अगस्त 2015 को सर्च एंड रेस्क्यू नाम के एक रेडिट यूजर ने पोस्ट किया था जंगल में पाए जाने वाले स्टेयर्स के बारे में। इस यूजर ने क्लेम किया कि यूएस के एक नेशनल पार्क में वो एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर है, और वो आगे बताते हैं कि मैं जो बताने वाला हूँ शायद आप बिलीव ना करें, बट आप किसी और सर्च एंड रेस्क्यू यूनिट से पूछ सकते हैं, बट अगर वो भी जानते होंगे तो आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि हमारे सुपीरियर हमें ऐसी किसी बात को शेयर करने से मना करते हैं। एक बार मैं किसी सर्च ऑपरेशन पे काम कर रहा था, सडनली मुझे जंगल के बीच में एक स्टेयर केस नजर आता है। मुझे काफी हैरानी हुई कि ये सीढ़ियां बीच में कहां से आ गई हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे आप अपने घर की सीढ़ियों को काटकर यहां जंगल के बीच में लाकर रख दिए हैं। मैंने पूछा, ये कहां से आ गया? तो किसी ने कहा कि तुम परेशान मत हो, ये सब नॉर्मल है। मैं जिससे भी पूछता वो यही जवाब देता। मुझे बहुत अजीब लगा। मैं उन सीढ़ियों के पास जाने वाला था, बट मुझे स्ट्रिक्टली मना किया था कि उन सीढ़ियों के पास नहीं जाना है, ना उसे टच करना है। इस स्टोरी के पोस्ट होते ही बहुत सारे लोग भी क्लेम करने लगे कि उन्होंने भी ऐसी सीढ़ियों को देखा है। पहले तो सभी को लगा कि ये बस यूएस में हो रहा है, बट धीरे धीरे वर्ल्ड में हर कंट्री जैसे ब्राजील, फिलीपींस, जर्मनी, नॉर्वे, पुर्तगाल से भी लोग अपनी स्टोरीज को शेयर करने लगे। एक यूजर ने बताया कि आयरन वुड के ईस्ट डायरेक्शन में एक आवर चलने के बाद एक जगह उसने स्टेयर्स को देखा था। मेरे साथ मेरा कजन भाई भी था। मेरा कजन भाई उस स्टेयर्स के पास जाता है चेक करने के लिए कि ये कहां से और कैसे यहां खड़ा हो गया है, बट उसे कुछ भी सही से नहीं दिखता है। ना ही स्टेयर्स के पास घास दिखते और ना ही कुछ और। दूसरे एक और यूजर ने बताया कि कुछ मंथ्स पहले मैं जंगल में पिकनिक के लिए गया था। मैं अपनी भतीजी और भतीजों के साथ हाइड एंड सीक गेम खेल रहा था। मैं हाइड होने के लिए जगह खोज रहा था, तभी मुझे वो स्टेयर्स नजर आता है। मैं वहां जहां खुद को हाइड कर लेता हूँ। कुछ सेकंड्स के बाद मुझे बहुत डर लगने लगता है। मुझे जब याद आता है कि मैं किसी स्टेयर्स के पास छिपा हूँ, ये रियलाइज होती मैं तुरंत वहां से खड़ा होकर अपने कदम पीछे लेता हूँ और स्टेयर्स को बहुत ध्यान से देखने लगता हूँ कि ये बीच जंगल में स्टेयर्स क्या कर रहा है। मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग आती है। मैं वहां से भाग जाता हूँ और किसी से भी ये बात शेयर नहीं करता हूँ। ऐसे बहुत से रेडिट यूजर हैं जिन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है। बट दोस्तों, स्टेयर्स की बातें आज से नहीं, इनफैक्ट सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर की पोस्ट से पहले भी की जा चुकी है। जैसे इटली में एक एंशियंट स्टेयर केस है जिसे इट्रस्कन पिरामिड ऑफ बोमार्जो नाम से जाना जाता है, जो शायद 7 सेंचुरी में या उससे पहले से भी बना है। इस स्टेयर्स केस के टॉप पे एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है। माना जाता है कि इस स्टेयर्स का यूज किसी खास रिचुअल्स के लिए और बलि देने के लिए यूज किया जाता था। अब सवाल यह है कि रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस के लिए स्टेयर्स क्यों? ग्राउंड पे भी तो हो सकता है, पर शायद उस टाइम के लोगों के माइंड में स्टेयर्स को लेकर के कुछ होगा।
स्क्रीन पे आप उस स्टेयर्स के पिक को देख सकते हैं। एक और स्टेयर केस है जो न्यू हैम्पशायर के चेस्टरफील्ड में बिल्कुल जंगल के बीच में है। ये स्टेयर 100 साल पुराना एक कैसल का है। माना जाता है कि ये कैसल मैडाम शेरी का था, जो अपने टाइम की पेरिस की बहुत फेमस सिंगर थी। कैसल तो पूरी तरह से खत्म हो चुका था, बट सिर्फ ये स्टेयर्स रह गया और इस स्टेयर्स को 1962 में डिस्कवर किया गया था। आप स्क्रीन में पिक देख सकते हैं। इसके अलावा एक स्टोरी बहुत फेमस है जो फिलीपींस की है। एक फॉरेस्ट रेंजर था जिसका नाम टॉर्किक था। वो अपने डेली रूटीन के अकॉर्डिंग पेट्रोलिंग पे निकला था, गायब हुए लोगों को सर्च करने या जो रास्ता भटक जाते उन्हें रेस्क्यू करने। जब वो फॉरेस्ट काफी अंदर जाता है तब उसे दो स्टेयर केस नजर आते हैं। एक स्टेयर केस स्टोन्स का बना हुआ था जिसपे बहुत सारे डिजाइन बने हुए थे और दूसरा स्टेयर केस सिर्फ नेचुरल पत्थरों का बना हुआ था, मतलब एक के ऊपर एक रख के बना हुआ था। जानने के लिए कि वो किस तरह की सीढ़ियां हैं, वो एक स्टेयर केस पे चढ़ने का डिसाइड करता है। हालांकि वहां कोई नहीं था, बट पता नहीं कहां से एक स्ट्रे डॉग वहां आ जाता है जो उस पे भौंकना शुरू कर देता है। वो डॉग उसको काटे ना, इस चीज से बचने के लिए वो टॉर्किक जो रहता वो जल्दी से स्टेयर्स पे चढ़ने लगता है। 2 मिनट बाद जब टॉर्किक रिटर्न आता है तब उसे दो अनफॉर्चुनेट बैड न्यूज मिलता है। पहला कि उसे रेंजर की जॉब से निकाल दिया गया है। दूसरा, जब वो अपने घर जाता है तब घर वाले उससे पूछते हैं कि तुम 5 साल से कहाँ गायब थे। 5 साल गायब वाली बात सुनकर टॉर्किक के तो होश उड़ जाते हैं। वो बताता है वो तो पेट्रोलिंग पर सिर्फ 1 आवर के लिए गया था। टॉर्किक बहुत परेशान हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। टॉर्किक के साथ जो घटना हुई उससे बहुत सारे सवाल उठते हैं, बट किसी का भी जवाब ना टॉर्किक के पास है ना किसी और के पास। 1940 में एक CDC नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। ये US का नेशनल पब्लिक हेल्थ एजेंसी था, अभी भी है। इसमें काम करने वाले एक साइंटिस्ट ने क्लेम किया कि रोजवेल क्रैश की घटना के बाद यहाँ पे एनिमल्स की म्यूटेशन की न्यूज आने लगी थी, जिसके बाद इस CDC एजेंसी को वहाँ इन्वेस्टिगेट करने के लिए बुलाया गया। ये इन्वेस्टिगेशन बस 2 वीक चलने वाला था, बट इसे 6 मंथ से भी ज्यादा का टाइम हो जाता है। उस इन्वेस्टिगेटिंग पीरियड में जब इस एजेंसी के लोग फील्ड में काम कर रहे थे तो उन लोगों ने बताया कि उन्हें कई जगह स्टेयर्स नजर आते थे। एक स्टेयर केस जब उन्हें दिखा तब उस स्टेयर केस को और अच्छे से जानने के लिए उस स्टेयर केस से 30 मीटर की दूरी पे वो अपना कैंप लगाते हैं। रात में उसी कैंप में सोते भी हैं। मॉर्निंग में जब वो लोग उठते हैं और उस स्टेयर केस को देखने जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ कोई स्टेयर केस नहीं है, वो तो गायब हो गया है। और जहाँ पे स्टेयर केस था उस जगह ग्राउंड पर बस ब्लैक स्पॉट था। 2 दिन के बाद फिर वो स्टेयर केस नजर आता, बट इस बार अपने ओरिजिनल लोकेशन से 50 मीटर की दूरी पर। फिर इन्वेस्टिगेटर्स डिसाइड करते हैं कि क्यों ना इस स्टेयर केस के कुछ टुकड़े को सैंपल के तौर पर लिया जाए इन्वेस्टिगेट करने के लिए। वो काफी कोशिश करते हैं बट उस लकड़ी की सीढ़ी से एक छोटे से टुकड़े को भी नहीं ले पाते हैं। हर चीज ट्राई करते हैं बट स्टेयर से एक भी टुकड़ा को नहीं काट पाते हैं। उन्हें जल्दी रियलाइज होता है कि ये लकड़ी का स्टेयर केस स्टील से भी ज्यादा मजबूत है। 2 दिन के बाद वो स्टेयर केस भी गायब हो जाता है। इन्वेस्टिगेटर जो रहते हैं वो बहुत क्लूलेस रहते हैं और बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब स्वीडन में दो स्वीडिश स्टूडेंट जिनका नाम एलेक्स और आइजक था, ये दोनों फॉरेस्ट में लॉन्ग हाइक के लिए जाते हैं। 1 घंटे हाइक करने के बाद जब ये दोनों फॉरेस्ट के काफी अंदर आ जाते हैं तभी एक जगह उन्हें एक मिस्टीरियस स्टेयरकेस नजर आता है।
उसे देखते ही एलेक्स बहुत नर्वस हो जाता है और पास में नहीं जाना चाहता है, उसे डर लगता है। बट आइजक बहुत क्यूरियस हो जाता है उस स्टेयर केस के बारे में जानने के लिए। एलेक्स उसे मना भी करता है बट आइजक उस स्टेयर पे चढ़कर टॉप पे चला जाता है। फिर दोनों दोस्तों को खून जमा देने वाली एक बहुत भयानक चीख सुनाई देती है। इस चीख की आवाज पूरे फॉरेस्ट में इको करती है, जिसे सुनकर इनकी बॉडी में जैसे करंट दौड़ गया हो। एक सेकंड वेस्ट किए बिना ये दोनों वहां से स्पीड में भागते हैं। दोनों की हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कुछ मिनट्स दौड़ने के बाद जब दोनों सांस लेने के लिए रुकते हैं, तभी एलेक्स के शोल्डर पर कोई हाथ रखता है। वो हाथ आइस यानी कि बर्फ से भी ज्यादा ठंडा रहता है। एलेक्स को लगता है कि शायद आइजक ने रखा है, पर जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसके होश हो जाते हैं। आइजक उससे कुछ दूरी पर खड़ा है। डिस्टेंस इतना था कि आइजक शोल्डर पर हाथ ही नहीं रख सकता था। एलेक्स तो बहुत ज्यादा डर जाता है, उसे लगता है कि आज वो खत्म हो जाएगा। एलेक्स समझ जाता है कि ये स्टेयर केस नॉर्मल नहीं है। वो दोनों किसी तरह वहां फॉरेस्ट से भाग जाते हैं, बट वो खून को जमा देने वाली चीख, वो ठंडे हाथ का टच, वो एलेक्स कभी भी नहीं भूल सकता है। उसने बताया था कि मरते दम तक उसे ये सब एहसास होता रहेगा। दोस्तों, इंटरनेट पर एक स्टेयर केस की पिक काफी सर्कुलेट हुई थी, ये पता करके कि ये जंगल में पाए जाने वाले एक स्टेयर केस की फोटो है। बट मेरे दोस्तों, ये स्टेयर केस एक मॉडर्न डे आर्ट स्कल्पचर है जो यूके के कॉलफोर्ड में है। कॉलफोर्ड ब्रिटेन का एक बहुत पुराना और घना जंगल है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं उस स्टेयर केस की फोटो। कुछ और ऐसे एक्सपीरियंसेस को सुनते हैं जिन्हें रेडिट यूजर ने डिटेल्स पे पोस्ट किए हैं। मैं सिटी से दूर घने जंगल की तरफ रहता हूँ। मेरे फ्रेंड्स बहुत कम हैं और मुझे नेचर बहुत पसंद है, सो मैं अक्सर वॉक के लिए निकल जाता हूँ फॉरेस्ट में और कोई ना कोई रैंडम रास्ता ले लेता हूँ ज़्यादा वॉक करने के लिए। मैं 2-2 घंटे तक वॉक करता हूँ। मैं आपको लोकेशन नहीं बता सकता हूँ। एक दिन मैं इसी तरह फॉरेस्ट में वॉक करने के लिए निकला, मुझे एक ट्रेल दिखता है, मैं उस पर वॉक करने लगता हूँ। 15 मिनट वॉक करने के बाद जंगल के अंदर एक क्लियर जगह दिखता है जहाँ एक स्टेयर केस रहता है। वो कर्व शेप में था और लगभग 15 फीट ऊंचा था। सबसे वियर्ड बात ये थी कि उसका कोई फाउंडेशन नहीं दिख रहा था, वो सीढ़ी किसी चीज़ से अटैच भी नहीं थी। मैं बहुत हैरान था कि ये सीढ़ियाँ यहाँ कैसे आ गई हैं। यहाँ आसपास जो कुछ लोग भी रहते हैं तो वो काफ़ी दूर रहते हैं। मैं उस स्टेयर केस के पास जाता हूँ, उस पर चढ़ता हूँ और उसकी पिक्स भी लेता हूँ। फिर 5 मिनट के बाद उस जगह को छोड़कर रिटर्न जाता हूँ। जिस ट्रेल से मैं 15 मिनट में यहाँ इस स्टेयर केस के पास आया था, उस ट्रेल पे जब चलता हूँ तो ना मालूम क्या होता है, ऐसा लगता है कि मैं रास्ता भटक गया हूँ। मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। जिस ट्रेल को 15 मिनट में वॉक करके आया था, रिटर्न जाने में उस ट्रेल से मुझे 45 मिनट्स लग जाते हैं। मैं बहुत हैरान था कि ये क्या हो रहा है। खैर, मैं किसी तरह घर आता हूँ। घर जाकर जब उन फोटोज़ को देखता हूँ तो उन फोटोज़ में से स्टेयर्स जो रहता है यानी कि जो सीढ़ी रहती है वो गायब रहती है। पिक्स में बस जंगल की फ़ोटोज़ रहती है, स्टेयर्स किसी भी फोटो में नहीं दिखता है। मैं जल्दी से इंटरनेट पर सर्च करता हूँ बट कुछ खास पता नहीं चलता है। बस रेडिट पे कुछ आर्टिकल्स मिलते हैं जिसे पढ़कर मैं डर जाता हूँ। मेरे साथ बस 2 वियर्ड चीज़ें हुई, जैसे मैं सीधे से ट्रेल से भटक गया था, दूसरी वो फोटोज़ में स्टेयर्स कैसे गायब हो गया था। मैं ये सब भूलने की कोशिश करता हूँ। मैं ये सब इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे मेरे अंदर डिप्रेशन डेवलप होने लगता है। मुझे सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं।
मैं बिना रीजन हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा होने लगता हूँ। इस वजह से मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे ब्रेकअप कर लेती है। मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हो गया था। कभी कभी बहुत चक्कर आते थे, कभी कभी कुछ सेकेंड्स के लिए सब ब्लैक दिखता है। मैं साइकेट्रिस्ट से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, बट वो स्टेयर केस मेरे माइंड से बिल्कुल भी नहीं जाता है। मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ, या कोई चाहता है कि मैं ना भूलूं। क्या आप बता सकते हैं कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है? ये दूसरी स्टोरी शगुन ने मुझसे शेयर किया है, जिन्हें ये रेडिट से मिला है। मेरा नाम तो मैं आपको बता नहीं सकता। मेरा घर एक जंगल में है। मेरे घर के पास 10-15 घर है। मैं छोटा था तभी से ये सुनता आ रहा था कि जंगल से डेली बेसिस पर कोई ना कोई रहस्यमय तरीके से गायब हो रहा है। मैं जब एडल्ट हुआ तो लोगों के गायब होने के केसेस अब पहले से भी ज़्यादा बढ़ चुके थे। एक दिन रात में 1:30 बजे मेरी आंखें खुली। उस वक्त मेरी मॉम बिस्तर पर नहीं थी। मैं अपने कमरे के बाहर आया तो हमारे घर का गेट खुला हुआ था। मैं जल्दी से अपने डैड के रूम में गया। मैंने उन्हें उठाया। हम दोनों मॉम को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर गए। हमें जंगल के बहुत अंदर जाके मॉम मिली। हमने देखा कि मॉम किसी तरह की कोई सीढ़ी है जिस पर वो चढ़ रही थी। डैड चिल्लाते हुए भागते हैं। मैं और मेरे डैड सीढ़ियों के पास पहुंचते हैं। हम दोनों मॉम को फोर्सली खींच करके नीचे लेकर आते हैं। डैड मॉम को एक थप्पड़ लगाते हैं जिससे वो होश में आ जाती हैं। मॉम होश में आने के बाद पूछने लगती हैं। इधर डैड मॉम को नॉर्मल कर रहे थे। मैं पीछे मुड़कर उन सीढ़ियों की तरफ जा रहा था, तभी डैड मुझे पकड़ लेते हैं और चिल्लाते हैं कि वहां मत जाना। सडनली, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो स्टेयर केस हमारी आंखों के सामने से गायब हो गया। ये देख करके हम दोनों भौचक्के रह गए। मैं डैड से पूछा कि ये क्या था, कोई सीढ़ी ऐसे कैसे गायब हो जाएगी हवा में। डैड बताते हैं कि उन्हें भी कुछ ज्यादा नहीं मालूम है इन सीढ़ियों के बारे में, बट कहते हैं कि जब ये दिखे तो इसके पास नहीं जाना चाहिए, इस पे चढ़ना भी नहीं चाहिए, ये आपके साथ कुछ भी कर सकता है। डैड आगे बताते हैं कि ये सीढ़ी किसी को भी निगल सकता है। हम मॉम से पूछते हैं कि आप कैसे यहाँ आ गई थी। मॉम बताती हैं कि विंडो के बाहर उन्हें बहुत तेज रोशनी नजर आती है। वो देखने के लिए बाहर आती हैं कि आखिर ये रोशनी कहाँ से आ रही है। जब बाहर आती हैं तो रोशनी कहीं नहीं दिखती है, और किसी मिस्टीरियस आवाज़ को सुनते सुनते वो कब जंगल के इतने अंदर आ गई उन्हें खुद भी खबर भी नहीं है। फिर उन्हें वो सीढ़ी नज़र आती है और वो उसकी तरफ चली जाती हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये स्टेयर केस हेल की तरफ ले जाती है। कुछ इसको रिलीजियस रिचुअल्स और बलि वगैरह से जोड़ते हैं। कुछ का मानना है कि ये दूसरे डायमेंशन में जाने का रास्ता है। कुछ लोग सिर्फ इसे हॉक्स मानते हैं, इसे रियल नहीं मानते हैं। बहुत सारे लोग तो ये भी बोलते हैं कि जो लोग फॉरेस्ट, नेशनल पार्क, इन जगहों से गायब हो जाते हैं, उसमें इन सीढ़ियों का हाथ होता है। मिसिंग 411 बुक सीरीज के ऑथर डेविड पोलाइडस से किसी ने ट्वीट करके पूछा तो उन्होंने बोला कि ये बस एक इंटरनेट मिथ है। स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। वेल, आई थिंक कि ऑथर को इसमें रिसर्च करना चाहिए, शायद कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे लगता है कि ये एलियंस से रिलेटेड है और दूसरे डायमेंशन में जाने का पोर्टल है। मैं इसे भूतिया या हॉरर इंसिडेंट से नहीं जोड़ती हूँ। आप क्या इस बारे में सोचते हैं, आप ज़रूर बताइएगा। एक चीज़ और दोस्तों, आज के वीडियो में स्टेयर केस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी हूँ वो बहुत मेहनत से रिसर्च करके लाई हूँ। आज की वीडियो का नहीं पूछूंगी, बल्कि आज की इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आपको ये कमेंट में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।